हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य गांव कराला दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अरुणिमा आम का टेस्ट आपको बताएंगे कि अरुणिमा आम का टेस्ट कैसा है। मैंने पिछली वीडियोस में पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा का टेस्ट का वीडियो डाला है जो आपने काफ़ी पसंद किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूसा अरुणिमा का स्वाद कैसा है उसके बारे में आप सबको बताएंगे। दोस्तों, चूंकि पूसा अरुणिमा आम मेरे प्लॉट में सबसे आखिर में जो है हमने पकाया है, पेड़ पर वो नहीं पका। एक वैज्ञानिक से, जो मैंगो साइंटिस्ट होते हैं, एक सीनियर मैंगो साइंटिस्ट से मैंने पूछ के, और विधि जो है वो मैंने पिछली वीडियो में जो है डाली हुई है उसी विधि से इसको पका के और ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सामने देखिए पेटी के अंदर ये जो पूसा अरुणिमा आम है ये पके हुए हैं। ये देखिए क्या सुंदर ये पके हैं, और ये देखिए साइज़। दोस्तों, अरुणिमा आम का जो साइज़ है वो लगभग 400 ग्राम तक जो मैक्सिमम साइज़ है वो गया है, और छोटे आम भी इसके अंदर है। ये देखिए ये जो है सबसे कम पका हुआ है इनमें, और ये देखिए कितना सुंदर ये पका हुआ है। ये कुछ ग्रीनिश कलर, कुछ ऑरेंज कलर, कुछ पिंक, कुछ येलो मिक्स कलर में ये पके हैं। और जैसा कि कलर लगभग पूसा सूर्या का आता है, मल्टी कलर वो होता है, लगभग वैसा ही इसका है। तो दोस्तों, इनमें से हम आज एक आम को आपके सामने टेस्ट करके बताएंगे कि भाई उसका स्वाद कैसा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ये जो ये आम है इसको टेस्ट के लिए चुना है, और चलिए इसको काट कर देख लेते हैं। बड़ा सुंदर कलर इसके अंदर आया हुआ है, ये देखिए, और बिल्कुल सॉफ्ट कट ये हो रहा है। और ये देखिए क्या बेहतरीन रंग इसने डेवलप किया है। ये मैं आपको लाइट बंद करके और दिखा दूं, ये देखिए कितना प्यारा कलर ये इसका आया हुआ है। और अब चलिए इसको हम चख लेते हैं। वही मिठास में जैसा आम्रपाली का मिठास बहुत ज़्यादा होता है, ये उस तरह मिठास में बहुत ज़्यादा है। और सुगंध इसकी, जैसा कि पूसा ने 8 वैरायटी लॉन्च की हैं 2020 से पहले, और 2020 में पूसा दीपशिखा और मनोहरी लॉन्च की हैं, वो हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन और बाकी के आमों में ये आम अपने विशेष स्थान पर, अर्थात इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है वो सबसे अलग है। कई दोस्तों ने मेरे से पूछा वीडियोस में कमेंट करके कि आप किस आम को नंबर वन पर रखेंगे। देखो दोस्तों, स्वाद सभी का निजी विषय है, और सभी आम, पूसा के जो सभी आम हैं वो स्वाद में अपने अलग अलग लेवल पर हैं। तो मैं किसी आम को नंबर वन कह के दूसरे आमों की बेइज्जती में नहीं करना चाहता। सभी आम अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन पूसा अरुणिमा जो है ये भी अपने स्थान पर विशेष आम है। तो दोस्तों, इस आम का जो अंदर से जो ऑरेंज कलर है वो ऐसा है जैसे पूसा आम्रपाली के अंदर आता है, ऐसा ही कलर उसमें डेवलप होता है। साइज में बहुत अच्छा है, सबसे लेट वैरायटी मेरे प्लाट में ये जो है पकने में है, हालांकि पेड़ पर नहीं पका। मैंने बताया आपको कि जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसी का प्रोसेस से ये जो हमने इसको तैयार किया है, और बहुत अच्छा ये पक जाता है। पकने में लगभग 6 से 7 दिन का समय इसको लगा है और बेहतरीन है। ये देखिए इसमें रेशा नहीं है, थोड़ा बहुत जो है छिलके के आसपास रेशा हम देख रहे हैं, लेकिन वो रेशा जो है नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होता, अर्थात आपके दांतों में फंसने वाला रेशा नहीं है। आप भी दोस्तों इस वैरायटी को लगाइए और अपने बगीचे की सुंदरता बढ़ाइए
और अपना स्वाद भी प्राप्त करिए। और जो यदि आपके आसपास कहीं इस प्रकार के आम के बाग हैं जिनमें अरुणिमा लगा है, तो वहाँ से आप इसको खरीद कर जरूर खाइए। क्योंकि दोस्तों, हालांकि वर्तमान में जो पूसा वैरायटी है वो आम्रपाली मल्लिका को छोड़कर बहुत कम आदमी है जो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन जिनको पता है वो कम से कम इसके स्वाद का आनंद अवश्य ले लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक सभी को नमस्ते।